देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लास एट का विज्ञान विषय अध्याय 16 धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। तो उसमें हम लोग भाग एक में पढ़े थे कि कैसे हम लोग जो है धातु और अधातु को पहचान करें, है ना। फिर आपको बताया गया था कि भौतिक गुणों के आधार पे धातु और अधातु को हम कैसे अलग करते हैं, ना। फिर हमें धातु और अधातु का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। तो भाग दो में आपको बताया गया था, क्रियाकलाप 6 किया गया था कि लोहे में जो जंगना जाता है एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और वो जो होता है जंग जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, कौन प्रवृत्ति का होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जंग को लाए थे खरोच कर और उसको पानी में विलयन तैयार किया, इसमें कौन लिटमस पत्र डाले, लाल डाले थे, जिसका कलर कैसा हो गया था, नीला हो गया था ना। इससे हम समझ गए थे कि जो धातु का जो ऑक्साइड होता है, जो बना था लौह ऑक्साइड, है ना, तो क्या होता है, वो कौन प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि अधातु के संदर्भ में, इसके बारे में अधातु के संबंध में, जैसे मेरे हाथ में क्या है, लकड़ी का स्केल है, चाहे तो छड़ी कहिए, ये धातु है कि अधातु है, अधातु है। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अधातु के संदर्भ में इसका जो कैसा प्रवृत्ति होता है। तो आप लोग चार को देखे हैं, ये लकड़ी जलता है ना, खाना बनाते हैं इससे कोयला बचता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चार, है ना, चार कोल है, चार कोल को हम लोग, है ना, क्या कहते हैं इसको, चार, है ना, क्या है, चार। अब करता है चार कोल प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, है ना, जो मिलता है और उससे जो विलयन तैयार होगा, वो विलयन का हम प्रकृति को जांच करते हैं, है ना। तो बनता क्या है, कार्बोनिक अम्ल बनता है, कौन सी बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है, और उसको फिर हम लिटमस पत्र से जांच करेंगे कि जो लिटमस पत्र हम इसमें डालेंगे, नीला लिटमस, उसमें कौन लिटमस पत्र उपयोग किए थे, इसमें लाल किए थे ना, है? और इसमें हम नीला लिटमस पत्र को उपयोग करेंगे कि नीला लिटमस पत्र को जो इसका तैयार निकालेंगे हम घोल चारकोल का, है ना, उसके बाद जो है नीला लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है। अगर ये नीला से लाल हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है, तो इसका क्या होगा प्रकृति, आपको अम्लीय प्रवृत्ति होगा, है ना। इसलिए कि नीला लिटमस पत्र को जब हम अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, उसका रंग बदल के लाल हो जाता है। तो इस क्रियाकलाप को हम लोग करेंगे, हम लोग चारकोल को जलाएंगे, तो चार कोल को जो है हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना। अब चार कोल जब आपका गर्म हो जाएगा, देर तक इसको गर्म करना होगा, गर्म करने के बाद इसमें क्या डालना है, पानी डालना है, इसमें चार को, उसके बाद उसे क्या करना है, उसका जो है विलयन को हमको लेना है 5 ग्लास में, है ना। अब विलयन को फिर लेने के बाद हमको क्या करना है, नीले लिटमस पत्र को उस विलयन में ले जाना है, और उसका रंग बदल के कैसा हो जाएगा, लाल। अगर लाल हो जाता है तो हम समझेंगे कि इसका जो है प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है,
अम्लीय पदार्थ है ना। अब इसको हम चारकोल का ढक्कन को खोलते हैं और इसमें क्या मिलाना है, जल रहा। अब देखिए ये चारकोल में हमने पानी डाले थे है ना, इसमें से थोड़ा सा उसका क्या लेना है, जल है ना, जल को लेना है। अब इस निष्पल पत्र को नीला वाला को हम लोग डालते हैं है ना, हाँ इसको कलर को देखना है कि चेंज करता है कि, इसमें भी देखिए और देखिए ये नीला निष्पल पत्र है ना, इसको आग के विनती ले जाइएगा भिंगा के दिला, देखिए इसको भिंगाते हैं, पानी से भिगा दिया ना निष्पल पत्र को, नीला निष्पल पत्र है ना ये, कलर चेंज कर लिया। यस हाँ देखिए कलर चेंज किया। यस सर। इस ढंग से क्रियाकलाप सात से हम समझने का प्रयास किए कि ये अधातु का जो होता है जो बना कार्बन डाइऑक्साइड जल जो मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाया वो किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय, अम्लीय प्रवृत्ति का। इसलिए कि नीला लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है उसमें अम्ल, आपको क्लास सेवन में पढ़ाया गया था अम्ल और क्षार, उसमें आप लोग को यह बताया गया था प्राकृतिक लिटमस तैयार करने का भी विधि बताया गया था ना, और जो है खट्टे चीज जब रेमू के रस को आप डालते थे है ना तो क्या करता था लिटमस पत्र, तो इसको भी आप जांच कर सकते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति है तो लेबू है ना, लेबू लाइए उसे भी देखिए वो नीला पेंट डालिएगा तो लाल,